근데 아 되게 이리여기 तो पैसे हो गए मेरे जाने एक दुनिया में कुछ नहीं बात नहीं तो मौसम भी देसी जै पिंड वाला मौसम हो गया बड़ा जबरदस्त साढ़े भी दिल करता पाया कि देसी गल्ला करिए देसी तरीके करिए पिंड वाली जबान गल करिए भी थले बैठे हैं तरीके मैं कहते पे हैं मैं उत्ते नहीं जाना है फिर हाइट से मैं डर लगता है हाँ जी मिठा जी एवे हाँ ही हूं आ गया थले ए जे मकान जरा जी तैयार हो जे तर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हाँ जी मिठे हो तो सजना तो बेलियो की हाल चाल है थोड़ा ठीक ठाक हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हाँ जी मिठे हो तो सजना तो बेलियो की हाल चाल है थोड़ा ठीक ठाक हो। एक मिनट बंद ना करो बंद ना करो बंद ना करो मेरे करो आहो सही करो। डेली विलेज विलाग डेली विलेज विलाग पे खुश आमदीद कहने थानू जिथे भी तुसी रह रहे हो बस रहे हो अल्लाह ताला तुहानू शाद रखे आबाद रखे अल्लाह ताला तुहाडे ते अपना खास फजलो करम करे। ते अलहमदुल्ला अज असी नहीं कितने जा सके है बारिश वगैरह तो बारिश दो दिन तो मुसलसल हो रही है ते कुछ कम सम ही इतने वो भी नहीं हो रहे हैं मकान के अज फिर पिंड रह के ब्लॉग बनावे कोशिश करा कि जरा अच्छा बने किताब तुम पसंद आए क्योंकि तो जा सके नहीं है तो सारे नाम लैके शुरू करने अद्धे खीर हो गई तो पैसे स्लिप हो गए मेरे के जाने एक दुनिया में कुछ नहीं बात नहीं दुबई पैर गंजे हो गए एक अद्धे मैं पैर धो लाव बाग अच्छे
है थले तंग करती पी इस अग सेक बड़ा करती पी हद तो ज्यादा करती पी तो गया जरा बाहर सुट गया मौसम बड़ा जबरदस्त थले मेरा सुटा तो दिल ही करता पे दिल करता सेका में जनाजे अज मौसम बड़ा जबरदस्त बारिश हो रही है कल की बारिश हो रही रात न हो रही सी हल्की हल्की तो सुबह फजर तो बाद लगातार बारिश हो रही तो मौसम भी देसी जै पिंड मौसम हो गया बड़ा जबरदस्त साढ़े भी दिल करता पे कि देसी गल करिए देसी तरीके करिए पिंड जबान गल करिए वेखो कि जबरदस्त मौसम हो गया जी मिठा जी पिंड वेखो हूँ माहौल कि जबरदस्त हो गया पहलियाँ जी पौधे वगैरह दरख्त वगैरह खेत जो सरसब्ज हो गए कि साफ सुथरे हो गए हैं बारिश होने की वजह बल्कि रात की बारिश हो रही रात हल्की हल्की हो रही थी फजर तो बाद मुसलसल बारिश हो रही है वक्फे वक्फे ने तेज 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 बारिश हो रही है फिर कनिया चलदियाँ पे फिर तेज़ बारिश होती है तो अज कि असं बाहर जा नहीं सके ब्लॉग बनाने अच्छ फिर असं क्या कि चलो पिंड का माहौल जो खाई है थोड़ा तो दिल करता पे मैं पिंड रहे पिंड वाले बंदे तू अज है भी पिंड ही तो अज देसी जबान के बेच ही गल कर सारे दरख्त सारे बड़े हो गए जो बारिश होती ना खासकर तो उदो वेखने वाला होंगे पिंड वाला माहौल इतने जो खेत वगैरह होंगे पैलियाँ होंगे दरखत लगे दरखत होंगे पौधे लगे होंगे ए बिल्कुल साफ हो जाते हैं मिट्टी शिट्टी सारी जल जाती है इन्हों को तो फिर हर तरफ सब्जा ही सब्जा नज़र आता है जैन तो नज़र आ रहे हो अच मेरे पिंड देखोगे मिठा जी हूँ असं जो मकान बनाया वो थोड़ा चक्कर लाने उसे विजिट करवाने कि इन्ना को तैयार हो गया कि रह गया तो हम चलने से उधर गर्म खाने हाँ जी मिठा जी एवे हाँ ही हूँ आ गया थले है जो मकान जरा जी तैयार होया जे जिदा पहले भी एक दो व्लॉग बनाया है अलहमदुल्ला हूँ अन करीब तैयार हो जाएगा एवे होना तो ही हूँ ग्रे स्ट्रक्चर हो गया अंदरों बारों बस गैराज रह गया है भी थले बैठे हैं तेरे कि मैंने कहते पे हैं मैं उत्ते नहीं जाना है फिर हाइट से मैं डर लगता तो फिर मैं क्या चलो जी मैं तो उतों के नज़ारे जरा शेयर करदा ना अपने मिठिया के नाल तो चलो जी हूँ फिर थले आ गए तो गप शप करने इन्होंने नाल अरे ऐ वेखो जी ऐ वेखो जी मिठा जी असं हूँ अंदर चलने तो अंदर का माहौल भी तुम आने कि तैयार हो गया कि बन गया हाँ जी देखो इतना चट्टा बन गया पौड़ियों का हूँ सीढ़ियाँ चढ़न गई देखो एक नक्शा जहा खिंचा तो इतों फिर जो खेड़ पैक खिंचा पे जाएगा तो उन्होंने फटे ला दिए थले गटर के कोई बच्चा बगैर या कोई
पच्ची दिन जरूर साड़ी ले जाए तो बैठ के कल्चर हो गए ग्रेस कल्चर भी हो गया बारिंग वगैरह लाइट वगैरह नहीं लगी हैं इसकी तरह साफ नहीं नजर आ रही है हार है अभी तुम पहले दिखाया पहले कोई जरा लैंडर से थले फिर लैंडर उच्चा किया वह भी तुम्हें शेयर किया अलहमदुल्ला प्लस्तर वगैरह भी हो गए काम करना पे अभी बारिश बड़ी हो रही थी ना कि गए हैं ना ही काम हो रहा मसाला वगैरह भी पिया इतने तो फिर अब जी हाँ जी बस इतने टाइम पास हो रहा मैं तो अज गलियां आया हाँ तो पानी हिसाब ने कि किसी गली च एक फुट पानी खरा है किसी गली च दो फुट पानी खरा है तो अलहमदुल्ला चलो पिंड च काम ही चलता पिया है कुछ गलियां बन चुकी ने कुछ रह गई भी बन जाएगी इंशाल्लाह तो इंशाल्लाह फिर पिंड का जरा माहौल जरा मजीद साफ सुथरा होगा गलियां शलियां बनिया होनगिया अगे भी कुछ कारपोरेट गलियां बनिया ने तो अलहमदुल्ला अगो फिर बन जाएंगे कम शम करवाते पे ने इंशाल्लाह हफ्ते दो हफ्ते मजीद जड़ियाँ कोई खराब गलियाँ कोई बसीदा रह गई इंशाल्लाह सारिया बेहतर हो जाएगा पर चंद दिन की गल तक इंशाल्लाह उम्मीद है अल्लाह के घर से इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा बंदे बड़ी मेहनत ना लगे ने तो अल्लाह खैर की जड़ियाँ कोई पाँच सात चार पाँच गलियाँ हैं इंशाल्लाह बिल्कुल साफ हो जाएगी लोगों का आने जाने का भी मसला इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा आम तौर पर बेहतर हो जाएगी असल से इतने पानी का निकास नहीं ना है वह भी इंशाल्लाह हो ही जाएगा एक अज नहीं कल नहीं परसों नहीं महीने तक दो महीने तक हो ही जाएगा इस बार तो पानी ना गलियां ज़्यादा खरा हो जाएगा तो जो निकास पानी बन गया कोई नाला बन गया पिंड पिंड की बाउंड्री के सैडा के नाला बन गया एक साइड से भी तो फिर पानी निकलता ही जाना करना जाएगा फिर पैक वगैरह से फिर जाएगा इतों बाय रोड ही जाएगा तरक्याती काम जो इंशाल्लाह हो रहे हैं जारी हो सारी ने तो इंशाल्लाह उम्मीद है तो एक हफ्ते दो हफ्ते इंशाल्लाह बेहतरी आएगी ईद तो पहले पहले या जो कोई रही जाए इंशाल्लाह ईद तो बाद फिर मुकम्मल होंगे तो काफ़ी पैसे कुछ तुम पता अजकल साडा मुल्क भी गिरवी हो गया है इस वजह तो कोई काम भी स्लो हो गए ने इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करेगा अल्लाह ताला साढ़े मुल्क पाकिस्तान दे अपनी करम नवाजी करे अपनी रहमत नाजल करे आमीन आमीन बिल्कुल साढ़े पाकिस्तान दे अपने मुल्क के हालात जरा काफ़ी खराब हो गए हैं वजह तो कई मामलात में पेंडिंग पे कई रोड बनने ने कई बड़े जे प्रोजेक्ट ने जोड़े पाया तकमीर तक नहीं पहुँचते हैं क्योंकि जो अपन उलझना के खुबे रहने तो फिर मुल्क का कौन सोचे तो यही वजह के काम जरा पेंडिंग पे लेकिन कई लोग हैं वो अपनी मदद आप खुद अपना पैसा लगा के अपने इलाके संवार